गाइस ये देखो, सुबह सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियाँ बिकने के लिए जा रही है। जय शिवाजी महाराज की जय हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हमारे यहाँ पे कहावत है मराठी में, जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी। तर मित्रांनो, ही परभणी आहे आमची। परभणीकर सुधर जाओ और सुधार लो अपनी परभणी को यार, क्या हालत बना रखी है परभणी की। किसी का गाड़ी नीचे गई थी क्या? ये देख लो भाई, क्या हालत हो रखी है। अरे बाप, ये नेशनल हाईवे पे बंदर। ओ भाई साहब, ये बंदर कितने बंदर। ओ भाई, मुझे तो डर लग रहा है यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। और भाई, मॉर्निंग में सुबह सुबह अपने ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है। 7:35 हो रहे भाई, और 7:35 पे अभी मैं रेडी हो चुका हूँ राइड पे निकलने के लिए। और भाई, अपनी बैग रेडी कर दी है, ड्रोन की बैग है अपने साथ में, और ये जैकेट लेना है साथ में, क्योंकि यार ठंड काफी होने वाली है ना, तो इसलिए अब सब कुछ रेडी कर दिया हूँ। सामान पूरा पैक है और राइड के लिए अभी जस्ट निकलना है। और माधव भैया अभी तक नींद से नहीं उठे थे, अभी इनको उठा दिया मैंने जस्ट। और भाई, पूरा सामान इस रूम में ऐसा पड़ा हुआ है। तो भाई, आज की जो राइड होने वाली है ना, लगभग नांदेड़ से परभणी, परभणी से गंगाखेड़ के लिए लगभग 200 किलोमीटर के आसपास हो सकती है, 200 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। तो भाई, अभी राइड पे चलते हैं। भाई बैग रेडी हो चुके हैं, और ये ले बैग, ये माधव भैया। चलो भाई, अभी लगा दो ताला। सो गाइस, ये रही अपनी बाइक, और बाइक को लगा देते की, और चलते फटाफट से और स्टार्ट करके निकल जाते हैं। ओ भाई साहब, क्या बढ़िया लग रही है आज बाइक अपनी। फटाफट से निकल जाएंगे, और भाई चलते हैं, परभणी के लिए जाना है ना, तो काफ़ी टाइम लगेगा। सो भाई साहब, निकल गए भाई सुबह सुबह। ये देख लो अपना एरिया। और भाई, 7:40 पर निकल चुका हूँ मैं रूम से, और चलो सुबह सुबह लोग निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और हम निकलते हैं राइड के लिए भाई। और भैया, परसों के दिन भी राइड के लिए निकला था सुबह सुबह ही, और आज भी राइड करने के लिए निकल चुका हूँ। लगभग आज की राइड 200 किलोमीटर के आसपास हो रही है ना, तो आज मैंने ये जैकेट डाल दिया, बस बढ़िया लग रहा है यार। तो भाई, अब यहाँ से है ना परभणी जाने के लिए 1-2 घंटे के आसपास टाइम लगेगा, और लगभग यहाँ से डिस्टेंस जो है परभणी का 80 किलोमीटर्स के आसपास है, बट रास्ते थोड़े कच्चे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा। गाइज, अभी आ चुका हूँ भगत सिंह चौक में, और भाई भगत सिंह चौक से है ना सीधे सिटी के बाहर ही निकल गया मैं। और भाई, अब कोहरा जो है आज उस दिन के जैसा ही कोहरा है, ये देख लो भाई, आगे कोहरे ने कोहरा मचा दिया है। फटाफट से अब इस कोहरे से ना निकल जाएंगे परभणी के लिए। तो भाई, परभणी में इसलिए जाना है, तो परभणी में वेडिंग शूट कर लेंगे, वहाँ से वेडिंग शूट करके और गंगाखेड़ के लिए भी वेडिंग शूट के लिए जाना है। तो भाई, आज जो राइड होने वाली है ना, तगड़ी राइड होने वाली है। पहले तो परभणी जाएंगे, परभणी से फिर गंगाखेड़ जाने वाले हैं। परभणी 85 किलोमीटर के आसपास यहाँ से डिस्टेंस है, और भाई, और गंगाखेड़ जो वहाँ से है लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है, और 40 किलोमीटर निकालने के लिए तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ब्रिज पे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, और भाई गड्ढों में से ना बाइक निकालनी पड़ रही है। ये देख लो भाई गड्ढे, क्योंकि यार ब्रिज पे है ना ऐसे गड्ढे होंगे, तो यार देख लो, ये गोदावरी रिवर का ब्रिज है और यहाँ पे ऐसे गड्ढे पड़े हुए हैं। पता नहीं यार, ऐसे गड्ढों में से कैसे बाइक चलाते होंगे लोग। और भाई, ऑफ रोडिंग के जैसे लेकर जाना पड़ रहा है, वो भी ब्रिज पे गड्ढे, यार कमाल की चीज़ है ना। गाइस, सुबह सुबह का व्यू जो है ना यार, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और भाई, ये देख लो, ट्रैफिक तो कुछ भी नहीं है रास्ते पे आज, एकदम बढ़िया व्यू आ रहा है भाई, एकदम तगड़ा तगड़ा बोलते हैं ना उसे, हुआ ही तगड़ा व्यू आ रहा है। ये देखो भाई, सुबह सुबह रास्ता एकदम खाली पड़ा हुआ है। गाइस, ये देखो, सुबह सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियाँ बिकने के लिए जा रही है। जय शिवाजी महाराज की जय हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भाई, बहुत प्राउड फील होता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति या फोटो सामने देखता हूँ ना यार, ऐसा जुनून सा महसूस होता है। सुबह सुबह दर्शन हो गए महाराज के, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, हर हर महादेव। चलो भाई, भगवान जी का नाम लेके राइड को शुरू हुआ। चलो
गाइज अब नेशनल हाईवे 61 जो है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के दूरी पे है। 2 किलोमीटर की दूरी एक 2 मिनट में निकल जाएगी अपनी बाइक पे। तो वही ये रास्ता जो है ना 10 दिन पहले ही बना दिया है, और भाई कई कई जगह पे तो ये रास्ता पूरा उखड़ भी गया है यार। 10 दिन में पूरा रास्ता ख़राब हो गया। इतना अच्छा रास्ता 10 दिन हो गए भाई बना के, और कई कई जगह पे ना निकल भी गया है ये रास्ता, उखड़ना चालू भी हो गया। मतलब क्या ही बताए भाई, ये देखो यहाँ पे उखड़ गया है थोड़ा सा। ऐसी क्वालिटी एकदम घटिया यूज़ की गई है भाई इस रास्ते पे। मतलब यार रास्ते ऐसे बना रहे हैं लोग कि क्या ही बताए। राइड में ऐसे कुछ अनोखे चीज़ें देखने को मिल सकती है, और भाई हर रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, और नए नए जो चीज़ें देखने के लिए हम बाहर पड़ते हैं ना, तो यही देखने को मिलता है। कहीं पे रोड ख़राब है तो कहीं पे क्या लोचा है, तो भाई ऐसे लोचे होते रहते हैं। तो भाई अभी नेशनल हाईवे 61 पे हम कनेक्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में। सो भाई हमारे यहाँ का खेतों खलिहानों का मौसम जो है यार एकदम बढ़िया है। और राइड में है ना यार हमेशा मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे साथ ना ही कोई ग्रुप है ना ही कोई बंदे रहते हैं, अकेला ही राइड कर लेता हूँ। फाइनली हम नेशनल हाईवे 61 पे पहुँच चुके हैं। वो रहा नेशनल हाईवे 61 जो कि डायरेक्ट परवनी के लिए निकल जाता है। ओ भाई साहब यहाँ पे हो गया खराब रास्ता, इन्होंने अभी तक चालू ही नहीं किया है। ये देखो अब दिल में जान आ गई भाई, क्योंकि अब इस रास्ते पे आने के बाद है ना कोई टेंशन ही नहीं रहती। फटाफट से चलते थे डेंडा ना चाय चा गावत यार, ठंडी एवड़ी बढ़ लिया है। गाइस नेशनल हाईवे 61 का ये लुक है भाई, ये देख लो भाई। इस रास्ते में आने के बाद है ना पेट का पानी भी इधर उधर नहीं होता, इतना स्मूथ रास्ता ये। और इस रास्ते पे मैं हमेशा राइड करता हूँ ना। गाइस अब हजार लाइट चालू करनी पड़े हैं, पार्किंग लाइट आपने लगा दिया है दोनों भी। हमारे यहाँ पे हजार लाइट बोलते हैं इसे, और इसका एक्चुअली पार्किंग लाइट जो बोलते हैं पार्किंग इंडिकेटर इसे बोलते हैं, बट आगे जो हो रहा है ना इसीलिए मैं इंडिकेटर लगा के लाइट हेडलाइट लगा के चल रहा हूँ बाइक अपनी राइड कर रहा हूँ। क्योंकि यार कोहरे में ज़्यादा विजिबिलिटी कम होती है ना, तो ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती इसलिए हेडलाइट लगा के और अपने इंडिकेटर पार्किंग मोड में डाल के चलना पड़ता है हजार लाइट में। तो भाई कोहरे ने कोहराम तो मचा दिया है, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो भाई साहब आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं क्या नहीं आपको पता नहीं है, मुझे भी, और आप कमेंट भी ज़्यादा तो नहीं करते, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो अपने वीडियो में कैसा लग रहा है क्या रहे। अच्छा लगता है तो अच्छा करो कमेंट, बुरा लगता है तो बुरा भी बता दो, कुछ भी बता दो यार, मत कमेंट करके बता दो कि आपको मेरी ब्लॉगिंग कैसे लगती है। यार पता नहीं यार मोटो ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है कि क्या ही बताए, खुद से बातें करनी पड़ती है, खुद से ही इम्प्रेस होना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, क्या बताएं आपको। मोटो ब्लॉगिंग आसान चीज़ नहीं है गाइस, क्योंकि यार आपको लगता होगा कि यार बाइक लेके निकलना पड़ता है कभी भी, और बाइक लेके कहीं पे घूमने के लिए गए इधर उधर गए यहाँ वहाँ का शूट कर दिया और डाल दिया, ऐसा नहीं है यार। मतलब जब आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो ना, मोटो ब्लॉगिंग में खर्चा भी ज़्यादा है, पेट्रोल का खर्चा है, सब कुछ खर्चा है, कैमरा गैजेट सब कुछ खर्चा ज़्यादा है। गाइस बाप रे बाप ये नेशनल हाईवे पे बंदर, ओ भाई साहब ये बंदर कितने बंदर, ओ भाई मुझे तो डर लग रहा है यार। ये देख लो भाई इतने सारे बंदर एक साथ ही है, और भी नेशनल हाईवे 61 पे यार। अरे बाप रे बाप, इसलिए हाईवे खुला है इसलिए कुछ नहीं है यार गाइस। अगर कोई बंदा स्पीड में आ जाएगा तो भाई एक तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, खामखा ये बंदर भी मारे जाएंगे ना यार। भाई आपसे एक गुजारिश है, आप जब भी ड्राइव करते हो राइड पे निकलते हो तो भाई सेफली ड्राइव करो, सेफली राइड करो, क्योंकि यार जंगली जानवरों का भी ख्याल रखना पड़ता है हमें ही, क्योंकि उनकी जगह पे हमने कब्जा कर रखा है ना, तो इसलिए यार उनका भी केयर करो कभी कभी, क्योंकि यार सेफ ड्राइव करते हो ना तो आप भी बेटर रहते हो वो भी बेटर रहते हैं।
गाइस इस रास्ते पे ना मोड़ जो है ना यार खतरनाक मोड़ है, जगह जगह पे मोड़ है। और भाई साहब ये देखो किसी का गाड़ी नीचे गई थी क्या, ये देख लो भाई क्या हालत हो रखी है। सेफ्टी गार्ड जो है ना यार नीचे चला गया पूरा का पूरा, क्योंकि यार खाई है ना नीचे लगभग 25-30 किलोमीटर बीच का खाई है, 25-30 किलोमीटर बोल रहा हूँ यार फीट यार 10-15 मीटर के आसपास खाई होगी। और भाई ये देख लो क्या बढ़िया व्यू है, और ये राजा ब्रिज है अपना पूर्णा का, पूर्णा रिवर, और रिवर के बीच बीच में ये खाई है ना, तो इसलिए यार ऐसे मोड़ पे ना एकदम बाइक धीरे धीरे चलानी पड़ती है। ओ भाई साहब गाइज सुबह से लेकर अब तक मैंने 70 किलोमीटर पार कर लिया है, और नेशनल हाईवे 61 पे अभी एक ब्रेक लिया है, 10 मिनट का ब्रेक होगा ये, और ये ब्रेक अब 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यार थोड़ा सा पेन हो रहा था बैक पेन, तो इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया है। और भाई ये 61 नेशनल हाईवे 70 किलोमीटर हमने पार कर दिया है, अब 10 किलोमीटर बाकी है, जो कि परभनी में अपना स्टॉप है एक, और परभनी में एक स्टॉप लेंगे उसके बाद गंगाखेड़ जाएंगे। तो भाई अपनी बाइक लगा दी है यहाँ पे, और सुबह सुबह का व्यू देख लो भाई, ये है चने का खेत और चना, ये देखो भाई ऐसा व्यू है ना काफ़ी कम ही मिलता है। और भाई अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये बैग अपनी ड्रोन की रख दी है यहाँ पे ही, अपनी बाइक साइड में लगा रखी है। और भाई साहब ये देख लो व्यू एकदम बढ़िया, और जैकेट तो आज तगड़ी लग रही है, ये गरुड़ा भाई की जैकेट डाल रखी है मैंने। गाइज 70 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लेने के बाद अब निकल चुके हैं, उस ब्रेक के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, क्योंकि यार बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि यार मुझसे बाइक चला ही नहीं जा रही थी। तो भाई ठंडी ने तो कोहरा मचा दिया यार, हालत पूरी ख़राब कर दी मेरी तो। ओ भाई साहब इतनी ठंड पड़ रही है कि मुझे बोला भी नहीं जा रहा है यार, क्या बताए। अब 10 किलोमीटर रह चुके हैं परभनी यहाँ से, और अब जल्दी से जल्दी परभनी में जाएंगे, परभनी में एक स्टॉप होगा उसके बाद गंगाखेड़ के लिए निकल जाना है। गाइज अब हो गई है हमारे खानापुर फाटे पे एंट्री, और खानापुर फाटे से परभनी 2 किलोमीटर ही, ये देख लो। अब यहाँ से ना लेफ्ट में लेना पड़ेगा, फाइनली हमारी परभनी में एंट्री हो चुकी है भाई। और भाई ये रहा नेशनल हाईवे परभनी का, जो कि शहर के बीचों बीच से होते हुए जाता है। हाँ भाई ये तो बाईपास वाईपास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली सिटी के अंदर से जाता है। ये देखो भाई ना ही इंडिकेटर ना ही कुछ, ऐसे ट्रैफिक के रूल तोड़ते हैं हमारे यहाँ पर बने में यार, लोगों को है ना ट्रैफिक के रूल्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, लोग उसका रूल्स का पालन ही नहीं करते तो क्या करेगा। गाइज ये आ गया छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, और भाई छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक से अब हमें जाना पड़ेगा गंगाखेड़ हाईवे के लिए। और भाई सिटी के बीचों बीच इतने रास्ते ख़राब है कि देखो गड्ढे कैसे पड़े हुए हैं, परभनी की हालत है ना यार इन लोगों ने पूरी ख़राब कर रखी है। अब मैं क्या कह रहा था कि हमारे यहाँ पे कहावत है मराठी में, जगात जर्मनी आणि भारतात परभनी, तर मित्रांनो ही परभनी है आमची। तो मैं कह रहा था कि यार हमारी परभनी है, और परभनी है ना पूरे वर्ल्ड में परभनी नंबर 1 पे है हर चीज में नंबर 1 पे है क्या बता भाई, अब परभनी के किस्से बहुत अलग अलग है यार। ओ भाई ये रॉन्ग साइड, ये बीच में घुसना, ये कहाँ से सीखते हैं क्या नहीं पता नहीं होता हमारे परभनी के लोग, कहाँ कहाँ से सीख कर आते हैं, कहाँ कहाँ से बोलते हैं कुछ बातें वो भी नहीं पता होता ना। ओके अब आ गए भाई फ्लाईओवर पे, परभनी का एक ही फ्लाईओवर है, और यहाँ से अब राइट में लेना पड़ेगा, लेफ्ट में यार लेफ्ट में ले लेंगे तो आ जाएगा गंगाखेड़ हाईवे। परभनी कर सुधर जाओ और सुधार लो अपनी परभनी को यार, क्या हालत बना रखी है परभनी की, और रास्तों की तो पूरी वाट लगा दी है यार, ये देख लो भाई इतने ब्रेकर्स और इतने खड्डे पड़ गए हैं ना बीचों बीच रास्तों में,
पूरा रास्ता खराब ही खराब है देख लो। तो भाई फाइनली परभनी सिटी से बाहर निकल चुका हूँ और परभनी सिटी में थोड़ा सा काम था वो फाइनल कर दिया, अब बाहर निकल चुका हूँ। और ये अब ब्राह्मण गांव फाटा गया और इससे यहाँ से अब गंगाखेड सिटी जो है लगभग 42 किलोमीटर्स के आसपास है। ओ भाई साहब, और 42 किलोमीटर्स निकालने के लिए मुझे लगभग एक घंटे का टाइम लगेगा, एक घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा गंगाखेड़ में। और भाई अपना लोकेशन लास्ट जो आज का राइडिंग का लोकेशन है वही पे है जो कि गंगाखेड़ परई जो हाईवे है ना वह वहाँ पे रुकना है हमें। तो भाई व्यू जो है एकदम बढ़िया आ रहा है, सुबह से लेकर अब तक मैं काफ़ी राइड कर चुका हूँ। ये गंगाखेड़ परई हाईवे जो है गाइस 42 किलोमीटर के आसपास हमें है। और भाई इस हाईवे का नाम तो नहीं पता मुझे, बट दोस्तों काफ़ी अच्छा है ये। क्या फाटिया गई है, नरसापुर पोखरनी 11 किलोमीटर है भाई यहाँ से। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा गंगाखेड़ जाने के लिए। और आज का लास्ट का लोकेशन जो है अपना गंगाखेड़ ही है, गंगाखेड़ में आज शाम में रुकेंगे गाइस। अब आ चुका हूँ मैं नरसिंह पोखरनी में जो कि नरसिम्हा पोखरनी इसे बोलते हैं। और भाई अब यहाँ से गंगाखेड़ है 22 किलोमीटर। और भाई ये बढ़िया चीज़ कर दी है, लोकल वालों को अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लोकल वालों के लिए अलग रास्ता है। और ये जो एक्सप्रेसवे बोल रहा हूँ यार मैं, तो ये जो हाईवे पे जो व्हीकल दौड़ने वाली है ना उनके लिए ये बीचों बीच का रास्ता है गाइस। अब आ चुके हैं गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर पे पहुँचने के लिए मुझे 15-20 मिनट का टाइम लग गया। और भाई साहब ये रही गोदावरी रिवर, हमारी महाराष्ट्र की धड़कन गोदावरी रिवर। ये देख लो भाई पानी तो कम है थोड़ा, बट है जितना भी है उतना काफ़ी है। मस्त अभी पहुँच चुका हूँ गंगाखेड़, अभी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास रह चुका होगा। और भाई एक चीज़ मैंने नोटिस की इस रास्ते पे, इस हाईवे पे है ना लोग ज़्यादातर रॉन्ग साइड से ओवरटेक जब मारते हैं ना तब है ना आगे वाले की बाइक हो या कुछ भी हो अगर आपको दिखती है आगे व्हीकल तब भी आप रॉन्ग साइड में से ओवरटेक क्यों मारने आते हो यार, ये समझ में नहीं आता। ये हर चीज़ मैं नोटिस करता हूँ रास्ते पे जब बाइक लेके निकलता हूँ ना राइड के लिए, तब हर चीज़ एक ना एक चीज़ नोटिस होती है अपने कैमरे में कि यहाँ पे है ना लोग है ना एक दूसरे को रॉन्ग साइड से ओवरटेक मारने की कोशिश करते हैं हमेशा। गाइस फाइनली मैं गंगाखेड़ में पहुँच चुका हूँ और हमारे महाराष्ट्र की श्री संत जनाबाई का देवस्थान है यहाँ पे और उनका जन्मस्थान है भाई गंगाखेड़ सिटी। और गंगाखेड़ सिटी में अपनी एंट्री हो चुकी है भाई, अभी परली नाका आएगा और परली नाके से अब परली की तरफ जाएंगे जो कि साइल हाउस है वहाँ पे। और भाई अभी जस्ट एंट्री हो चुकी है, ये देखो भाई कभी पता कि ये सब कुछ है यार, क्या मस्त व्यू है यार गंगाखेड़ सिटी है बोले तो भाई धड़कन। परभनी सिटी के बाद जो बड़ी सिटी हमारी डिस्ट्रिक्ट की आती है यही गंगाखेड़ सिटी है। और ये देख लो भाई व्यू एकदम बढ़िया व्यू है भाई। अब आ गए परली नाके पे, अब परली नाका यहाँ से राइट में लेना पड़ेगा, ये परली नाका ही है। और यहाँ से राइट लेने के बाद है ना अब यहाँ से है ना गाइस नांदेड़ जो है 77 किलोमीटर्स है, परली है 32 किलोमीटर्स। अब यहाँ से राइड लेंगे और डायरेक्टली अपने साइल हाउस पे जाएंगे जहाँ पे आज हमें रुकना है ना वहाँ पे। चलो परली नाके से होते हुए भाई एक लाइन से ही ट्रॉपिक है। और भाई अब जाएंगे साइल हाउस पे और साइल हाउस यहाँ से 2 किलोमीटर के दूर पर है। बंटी भाई आए नहीं है अभी तक मेरे ख्याल से, और नितेश भाई तो आने वाले नहीं है या नहीं है पता नहीं है आएंगे या नहीं आएंगे, बट अभी हम सीधा जाएंगे साइल हाउस पे। एक ही लाइन से यहाँ से ट्रॉपिक चालू है भाई। गाइस साइल हाउस आ चुका है और साइल हाउस ये रहा साइड में, अब मुझे लेना पड़ेगा यहाँ से राइट में। तो गाइस अभी ले लिया राइट में और यहाँ पे जाना है भाई। ओ भाई साहब ये रहा साइल हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता,
ट्रॉली रास्ते पे लगभग गंगाखेड़ से मेन सिटी से 2-2.5 किलोमीटर के आसपास दूर है, जो कि एक खेत में है भाई, बट एकदम बढ़िया है यार। सारी लॉन्स गाइज राइड करते करते इतनी हालत बेकार हो चुकी है कि भाई पूरी हालत, चेहरे तो देख सकते हो पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। और भाई आज का जो डिस्टेंस हमारा था 22 किलोमीटर्स के आसपास नॉन स्टॉप राइड की, नांदेड़ से परभनी से होते हुए गंगाखेड़ तक आज को। और भाई आज का जैकेट जो डाला था सुबह से लेकर अब तक जैकेट नहीं डाला, डाला था तो अब तक यही पे डाला हुआ है। और भाई अब इस लॉन्च में मुझे प्री वेडिंग का की शूटिंग करनी है, सब कुछ वेडिंग की शूटिंग यहाँ पे होने वाली है। तो अपनी बैग यहाँ पे रख दिया, लगभग 3 बज चुके हैं भाई और सुबह से लेकर अब तक मैं राइड करते आ रहा हूँ। कल शूटिंग करनी है बट आज ही मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी दूर था। तो भाई अब जस्ट आकर पहुँच चुका हूँ। और भाई आज का राइडिंग का ब्लॉग जो था ना काफ़ी अच्छा रह चुका है। और इंटरवेल देख सकते हो यहाँ पे होने वाली है, कल शादी का शूट करने के लिए आ चुका हूँ। तो भाई आज का राइडिंग का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि भाई ब्लॉग काफ़ी लंबा भी हो चुका है। सो भाई आज का राइडिंग का ब्लॉग यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप ये आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।